हाय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अन अकेडमी नीट। नीट बहुत नजदीक आ चुका है, फाइनली। डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन 100 दिनों का टारगेट जो आप लोगों को मिल चुका है। एक बड़ा सा प्रेशर फील हो रहा होगा कि क्या करें, कैसे करें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और क्वेश्चंस कोई स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करें या केवल पीवाईक्यू से काम चल जाएगा। एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है क्या? एक काम करते हैं, लास्ट टाइम है, अब एनसीईआरटी तो कौन ही पढ़ेगा, फिजिक्स की छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं नहीं, हमारे सीनियर्स ने तो कहा था एनसीईआरटी बाइबल है अगर आपको अच्छी रैंक लेकर आनी है। इसी के साथ एक डाउट भी दिमाग में है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए। आपके इस डाउट का आज मैं एक सोल्यूशन आपके साथ लेकर आया हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का अनअकैडमी नीट के इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 इजीएस्ट बट हाईली स्कोरिंग चैप्टर्स, जिनको पढ़ लेने से आप इजीली 40 से 50 नंबर स्कोर कर पाएंगे, और वो भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। अब या तो आप स्वयं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, जो कि आपको मालूम है पढ़ने जाते हैं समझ कुछ आता नहीं है, फ्रस्ट्रेशन अलग बढ़ जाती है और फिर किताब बंद करके सो जाते हैं। तो भाई साहब, आपको परेशान और चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपके माही भैया है ना आपके साथ, कुछ नया लेकर आए हैं। लेकिन नया बताने से पहले पुराने पर थोड़ी बात की जाए। मंथन 2.0 पर एक अपडेट आप लोगों को बता देता हूं बेटा। ऐसा नहीं है कि सीरीज को बीच में छोड़ा जा रहा है। कल से यानी कि 8 मार्च से हम लोग सेशन को रिज्यूम करने वाले हैं, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मार्च एंड तक बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स बाकी है, मैग्नेटिक फील्ड बाकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट, ये 5 चैप्टर्स मैं यूट्यूब पर आपको करवाऊंगा, और पूरी मॉडर्न फिजिक्स आप लोगों को स्पेशल क्लास पर करनी होगी। कैसे, कब, क्या, मैं बताऊंगा। इसी के साथ एक और सीरीज हमने शुरू करी थी फरवरी में, मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, तो टॉप 3500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज जो है रह गई थी बेटा, लेकिन हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं 9th ऑफ मार्च से। यानी कि आपकी 3500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैकेनिक्स की अपनी जगह चलती रहेगी, क्लास 12 का सिलेबस यूट्यूब पर चलता रहेगा, और जो धमाका आज मैं लेकर आया हूं वो भी चलता रहेगा बेटा। लेकिन कैसे ये सारी चीजें एक साथ चलेगी, एक परफेक्ट शेड्यूल बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, मैं भी और आप भी। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, नो डाउट। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे थे नीट हमारे सिर पर है, 100 दिन बचे और आप घूमने चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं आऊंगा एक से बढ़कर एक धमाके लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली आप और हम मिलकर एक बेहतरीन तैयारी करेंगे दोस्तों, और आपको एक बेहतर रिजल्ट लेकर आना है ना। चलिए, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट्स में कुछ चैप्टर्स जो बहुत इजी होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं, लगभग 20 नंबर। अगर मैं पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स है बिटा उनके अगर हम एनालिसिस करें तो लगभग 16 से 20 नंबर यहां पर जो है आपको मिल जाते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, उसके बाद में फिर आपका लॉजिक गेट्स, इन सबसे मिलाकर लगभग 3 से 4 सवाल आपको मिल जाते हैं। तो ये बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 2 सवाल पक्के हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, हर साल सवाल आते हैं बेटा दोनों से। तो 8 नंबर यहां पर आपके फिक्स हो जाते हैं। एटॉमिक फिजिक्स एक सवाल फिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स एक सवाल फिक्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक मैग्नेटिक फोर्स का और एक मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी सवाल फिक्स है बेटा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 8 नंबर यहां से आप लोगों के फिक्स है। मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 40 से 50 नंबर यहां पर इजीली आप स्कोर कर सकते हैं अगर ये चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लें। और इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी देखो, वैसे तो अगर आपके पास वक्त है, जो कि अभी तो नहीं बचा, लेकिन अगर आपके पास वक्त जब था तब आपने अगर हर चैप्टर की फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी को आपने कंप्लीटली, तो कम से कम इन 5-6 चैप्टर्स की एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इनकी एनसीईआरटी पढ़ना लाइन बाय लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप स्वयं को यह काम नहीं करना है, आपको बस माही भैया के साथ जुड़ जाना है। कब कब, एक छोटा सा चेंज है, यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस को हमने सिंक किया बेटा। हफ्ते में 7 के 7 दिन में आपको पढ़ाने वाला हूं, इंक्लूडिंग संडेज एज वेल, बट मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब पर, फ्राइडे, सैटरडे और संडे
तीन दिन हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में बेटा। तो अभी आप लोगों का जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बेटा, वो यूट्यूब पर चल रहा है, एज इट इज चलता रहेगा। इवनिंग 7 PM पर थर्सडे तक यूट्यूब पर क्लासेस रहेंगी शाम 7 बजे बेटा, और डीबीपी का डिस्कशन रहेगा 9:30 PM पर स्पेशल क्लास में, ठीक है। उसी के अलावा एनसीईआरटी रिव्यू सेशंस जो है हम फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन करने वाले हैं। एक दिन में कोशिश करेंगे एक चैप्टर निपटा ले, नहीं तो दो दिन में एक निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई ज्यादा जल्दीबाजी है नहीं बेटा, ठीक है। तो यहां पर एनसीईआरटी रिव्यू सेशंस जिसमें मैं हाथ के साथ आप लोगों को पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, एनसीईआरटी के पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया सिंपलेस्ट लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो कि मैं खुद बनाऊंगा। मेरे एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी आप लोगों ने कल्प वृक्ष में देखे हैं, तो बहुत अमेजिंग नोट्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद सारे पीवाईक्यूज डन, आपकी एक टेंशन खत्म। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट भी मैं दूंगा बेटा जिसमें 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उस सेम चैप्टर के जिसकी एनसीईआरटी हम लोगों ने खत्म कर ली, जिसे आप सेल्फ एनालिसिस के तौर पर यूज करेंगे, फुली सॉल्व होगा, तो डाउट वगैरह की कोई चिंता नहीं। थोड़े बहुत डाउट अगर आते हैं तो आस्क अ डाउट फीचर में आप उसे पूछकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो कब कब? फ्राइडे सैटरडे संडे 7 PM पर ऑन एन अकेडमी लर्निंग ऐप MS Live कोड लगाकर फ्री क्लासेस हैं, एनरोल कर लेना। 12 मार्च से यानी कि आने वाले सैटरडे से हम शुरू करने वाले हैं बेटा, आने वाले सैटरडे से हम शुरू कर रहे हैं 12 मार्च 2012, लॉक द डेट, ठीक है, ताकि आपका ये सारी की सारी समस्याएं क्या हो जाए बेटा, दूर हो जाए। इसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि भाई 3 महीने और 6 महीने पर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चल रहा है। अभी तक 10% ऑफ आपको मिलता था, अब यहां पर 33% और 28% ऑफ मिल रहा है। अगर आप कोड यूज करोगे MS Live, यू विल बी अंडर डायरेक्ट मेंटोरशिप ऑफ मी एंड माई टीम बेटा, और साथ ही साथ आप लोगों को इंश्योर करेंगे कि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके, और जहां कहीं आप लैग करेंगे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी ताकि आप इंप्रूव कर सके। तो ये ऑफर एक वैलिड टाइम तक है, केवल 9 मार्च तक है बेटा, उसके बाद फिर से प्राइसेस जो हैं सेम हो जाएंगे 10% ऑफ। तो आपको जल्दी से इसे अवेल कर लेना चाहिए बिकॉज देयर इज अ न्यू कोर्स ऑफ माइंड एंड आवर टीम बेटा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट लेफ फॉर नीट 2022, इसमें मेरे भी सेशंस अभी ऐड होने वाले हैं जो कि 9th मार्च से मैं शुरू करूंगा बेटा। आई विल बी टीचिंग वेव ऑप्टिक्स इन दिस पर्टिकुलर लास्ट लेप कोर्स बेटा। तो कंट्री के टॉप लेजेंडरी एजुकेटर्स के साथ आप अपनी पढ़ाई जब करेंगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा पाएंगे बेटा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज के सेशन में आप लोगों को टॉप 5 चैप्टर्स के बारे में मुझे बताना था, एनसीईआरटी रिव्यू सेशंस के बारे में बताना था। अगर किसी तरह का कोई डाउट है यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, मेरी टीम आप लोगों से बात करने के लिए तैयार है, तत्पर है, आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, तत्पर है। सो मिलते हैं आप लोगों से मंथन 2.0 में यूट्यूब पर और एनसीईआरटी रिव्यू सेशंस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। ये 5-6 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एनसीईआरटी बिल्कुल भी मिस मत करना। विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।